आप सभी लोगों का अमेजिंग वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर की आज आपको एरिया 51 के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आपने ये नाम पहले भी कहीं सुना होगा, फेसबुक में या फिर यूट्यूब में। एरिया 51 नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, तो ये काफ़ी आम नाम है। लेकिन जिनको ये एरिया 51 बिल्कुल ही पता नहीं, उनको मैं शुरुआत से बताऊंगा कि एरिया 51 क्या है और इसका असली राज क्या है। तो यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एरिया 51 के बारे में शुरुआत से जानेंगे। इस एरिया 51 से जुड़े कुछ सच और कुछ मिथ है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो असल में एरिया 51 है क्या? तो एरिया 51 एक सैन्य अड्डे का दूसरा नाम है जो अमेरिका में नेवाडा शहर के दक्षिण में लॉस वेगास शहर से 83 मील की दूरी पर दक्षिण उत्तर में स्थित है। ये इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस के ऊपर संशोधन किया जाता है, मतलब यहाँ पर उन पर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर दावे किए हैं कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO को वहाँ पर उड़ता हुआ देखा है। तो आइए जानते हैं इनका सच। TV अखबारों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ता पाया गया था, जिसके बाद ही इस खुफिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो आइए जानते हैं क्या था वो खुफिया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को पहले प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से ही जाना जाता था। इस प्रोजेक्ट की जानकारी काफ़ी कम और खासी लोगों को ही थी। इन सभी खास लोगों की राय पर ही एरिया 51 को परीक्षण केंद्र के तौर पर चुना गया था। उसके लिए उन्होंने 8500 फीट लंबे रनवे का निर्माण किया और किसी को इस पर ध्यान न जाए इसलिए उन्होंने ये काम सिर्फ रात में ही किया था। आज भी इस इलाके के ऊपर किसी विमान या किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी वायुसेना उस पर काफ़ी ठोस कार्यवाही करती है। और यही नहीं, इस एरिया के आसपास के राहगीरों को भी यहाँ से जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन इसकी वजह उन्होंने नहीं बताई कि ये क्यों जगह खाली करने को बताई गई है। अब उस एरिया के आसपास कड़ी सुरक्षा लगाई गई है जिससे कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि एक बार BBC न्यूज़ चैनल वालों ने एरिया 51 की डॉक्यूमेंट्री बनाने के चक्कर में उनके कैमरा क्रू ने घुसपैठ की थी, लेकिन काफ़ी देर वीरानी में ड्राइव करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वहाँ के सिक्योरिटी की नज़र वहाँ उन पर पड़ी तो उन्होंने सबको जासूस समझकर बंदी बना लिया था। दुनिया भर में कई जगह पर एलियंस के देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन एरिया 51 में ऐसी सभी दावों का छुपी हकीकत देखने को मिलती है। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने ही 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने बताया था कि वो दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियंस के साथ बात कर चुके हैं। और यही नहीं, उन्होंने वो तरीका भी बताया था कि जिससे एलियन मात्र एक घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफ़र तय करते हैं। सन 2014 में अमेरिका ने अपने टॉप सीक्रेट एरिया 51 में एलियंस पर हो रहे परीक्षण के दौरान खींची गई तस्वीरों को जल्द ही जारी करने का दावा किया था। टॉम कैन, जो एक जाने माने UFO एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ही कोडक रोल पर खींची गई इन तस्वीरों की सत्यता जानने के लिए कोडक इतिहासकार से मुलाकात की और फोटो एक्सपर्ट ने यह बताया कि ये फिल्म स्ट्रिप 1947 की ही है और इस फिल्म स्ट्रिप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। खैर, एरिया 51 का पूरा सच तो कोई नहीं जानता और अमेरिका जैसे एरिया 51 का सच छुपाना चाहती है, इससे एक बात तो कंफर्म है कि कोई ना कोई मिस्ट्री एरिया 51 से ज़रूर जुड़ी हुई है जो हमारे दुनिया से काफ़ी रोचक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।